दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। सुजानपुर से 300 प्रवासियों की घर वापसी। कोरोना वॉरियर्स को थर्मल स्कैनिंग मशीन और M95 मास्क। कलखर चौक पर पीपल के पेड़ तले तेंदुआ, लोगों में दहशत। सोलन के हॉस्पिटल रोड पर वाहन चालकों की क्लास। बंगाणा बाजार में दिखी रौनक, खुली 50% दुकानें। अब समाचार विस्तार से। कश्मीरी एवं प्रवासी मूल के लोगों की घर वापसी उपमंडल सुजानपुर में भी होना शुरू हो गई है। प्रशासन ने अब तक करीब 300 ऐसे लोगों की घर वापसी करवाई है। सुजानपुर मैदान में सोशल डिस्टेंसिंग के तहत बसों में बैठकर इन्हें लखनपुर बैरियर तक भेजा जा रहा है। इससे पहले सिविल अस्पताल सुजानपुर में थर्मल स्कैनिंग करके इनके स्वास्थ्य जांच का भी कार्य किया जा रहा है। डॉक्टर राजकुमार की अगुवाई में थर्मल स्कैनिंग का कार्य करके इन्हें घर वापसी करवाई जा रही है। सुजानपुर प्रशासन की ओर से तहसीलदार सुजानपुर अशोक पठानिया इस कार्य में लगे हैं। अब जनहित के लिए यह संदेश। आपकी जानकारी ही कोरोना वायरस का बचाव है। COVID-19 वायरस से संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों एवं उनके संपर्क में आने वालों को कोरोना वायरस की संभावना हो सकती है। यदि आपने, आपके परिवार या पड़ोस में किसी भी व्यक्ति ने COVID-19 वायरस से संक्रमित देशों में यात्रा की हो तो 14 दिन तक घर से बाहर न निकलें और तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पर सूचित करें। कोरोना वायरस के लक्षण खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ है, घबराए नहीं, बस कुछ बातों का ध्यान रखें। नियमित रूप से साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह कोहनी से ढकें अथवा रुमाल और टिश्यू से ढकें। जिस व्यक्ति में खांसी, जुखाम या बुखार के लक्षण हो उसे दूरी बनाएं और भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। मांस और अंडे को अच्छी तरह से पकाकर खाएं। खुले में न थूकें। लक्षण पाए जाने पर लापरवाही न बरतें और किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। कांग्रेस के राष्ट्रीय युवा सचिव मेगी निगम भंडारी सहित उनकी टीम कोरोना वॉरियर्स की मदद के लिए सामने आई है। टीम के सदस्यों ने DC SP किन्नौर सहित CMO को एक थर्मल डिटेक्टर स्कैनिंग मशीन के साथ तीन विभागों को करीब 100 M95 मास्क उपलब्ध करवाए हैं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग को PPE किट भी उपलब्ध करवाई है। इस दौरान DC किन्नौर गोपाल चंद से चर्चा करते हुए नेगी निगम भंडारी ने बताया कि लॉकडाउन के चलते आगामी दिनों में मटर सहित सेब कारोबार में भी परेशानी खड़ी हो सकती है। उन्होंने उपायुक्त से ये भी मांग की है कि किन्नौर के टापरी में स्थापित सब्जी मंडी को शुरू किया जाए। जैसा कि आपको मालूम है कि युवा कांग्रेस प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में एक अभियान के रूप में कार्य कर रही है, चाहे वो होममेड मास्क बनाने का हो। हिमाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस ने 3 लाख होममेड मास्क बनाने का रखा है और लगभग पूरा होने वाला है। सरकाघाट की ग्राम पंचायत के तहत कलखर चौक पर पीपल के पेड़ के पास बैठे तेंदुए ने सभी को खौफ में डाल दिया। गाड़ी में सवार लोगों ने लगभग 10 मिनट तक ये मंजर देखा, जिसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर तेंदुआ पीपल के पेड़ के नीचे और हनुमान मंदिर के पास आकर बैठता रहता है, परंतु आज तक तेंदुए ने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। कर्फ्यू पास की आड़ में बेवजह बाजार में घूमने वाले लोगों पर अब सोलन पुलिस ने पैनी निगाह रखी है। ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस सख्त हो गई है और बाजार में आने वाली हर एक गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। सोलन पुलिस ने अस्पताल रोड पर आज ऐसे वाहन चालकों की खूब क्लास ली। यहां SHO सदर धर्म सिंह नेगी की अगुवाई में पुलिस की टीम ने वाहनों की चेकिंग की। पुलिस अधिकारी का कहना था कि कुछ लोग कर्फ्यू पास का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे उन लोगों को सहायता नहीं मिल रही है जिन्हें वाकई में जरूरत है। आम पब्लिक से मेरी अपील है कि भाई जिन लोगों को परमिट मिला है उस परमिट को मिसयूज ना करें।
इससे हो जा रहा है कि जिन लोगों को जरूरी है वो अपना काम करवा नहीं पा रहे और जो मिसयूज कर रहे हैं वो घूम रहे हैं। इस महामारी से लड़ने का काम प्रशासन का और पुलिस का ही नहीं है, आम जनता का भी है। हम आम जनता से सहयोग की अपील करते हैं और सभी लोगों से निवेदन करते हैं घर से गाड़ी लेकर कम से कम आए, बहुत जरूरी है तभी गाड़ी लेकर आए, क्योंकि आप लोग हमारा सहयोग कीजिए तभी हम महामारी से लड़ पाएंगे। धन्यवाद। बंगाणा बाजार में आज लगभग 50% दुकानें खुली रही, जिसमें किराना, इलेक्ट्रिकल, सब्जी, किताबों, मेडिकल स्टोर आदि दुकानें शामिल रहीं। वहीं बाजार में लोगों ने प्रशासन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन भी किया। इस दौरान बंगाणा पुलिस प्रभारी मनोज कौंडल अपनी टीम सहित लोगों को जागरूक करते रहे। बंगाणा में जब आप दुकानदारी कर रहे हैं तो ग्राहक क्या डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं? जी जी यस सर, हम सरकारी बोलने की अपना थोड़ा अपनी सेफ्टी पहले।